रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते चौराठी उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे
मन के मैं अपना एक नारी हूँ नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो मुझको दर्शन देव दया मैं मुझको दर्शन देव दया मैं दानों में हर राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे कथा राम जी गोसाईगंज महादेवा घाट पर आज गोरखपुर से अयोध्या धाम आई। अयोध्या धाम से सिंगी ऋषि से पैदल महादेवा घाट पर पहुंचकर इस नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ 84 कोसी परिक्रमा का लुत्फ उठा रही हैं और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर 84 कोसी परिक्रमा में छोटे बच्चे नहीं होते तो पूरा 84 कोसी परिक्रमा ये दोनों करेंगे पूरा भली बात करती लेकिन इनकी पहली बार बच्चा भी रोक नहीं रहा हो क्षेत्र के लेखपाल कानून को भी अगर कोई जैसे भी हो कुछ ये पार्टी तो परिक्रमा साल में एक बार आता है आपको धीरे धीरे यहाँ रोड बने कहा नवरात्र रहेगा तो तमाम कार्यक्रम होते हैं
संत इस घाट पर स्नान करते आप देख सकते हैं। इस बार काफी संख्या में संत आगमन भीतर है भगवान, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जगाने का काम हो रहा है कई बार, तो जगाने का बड़ी गिरफ्तारियां
अरे तब से उस बात को लेकर मैं बड़ा आहत था कि कोई पैदल साधु संत चल रहा है, उससे समाज को साधु संत माहौल ही देते हैं, सही दिशा देते हैं, हमारे मन को हमारे चिंतन को सही करते हैं। फिर एक दौर 17 का है जिसमें हम लोग विधायक बने, 84 कोसी परिकल्पना का एक प्रकल्प बन रहा था कि इसको भव्यता दिव्यता से इसकी रोडें बनाई जाए, उसमें ही मुहिम का हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। आदरणीय किशोर प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में एक केंद्र की बैठक हम लोग लखनऊ में कर रहे थे 18 के दौर के बाद। उसी समय हमने कहा था मुस्कुराते हुए कि इसको पास कराइए, साधु संतों के साथ हम इस यात्रा को करें। अच्छा, वो वक्त समय बीतता गया, सरकार का धार गया, भाजपा की सरकार केंद्र राज्य में आई और इसके कारण संतों के अथक प्रयास से, इनके परिश्रम से 84 कोसी परिक्रमा का नपाई हो गई, काम शुरू भी होने वाला है, टेंडर की प्रक्रिया में है। मतलब दो तीन सालों में मुक्त रूप से 45 मीटर, ज़्यादा तो माने तकरीबन 82 अरब के करीब की योजना है, 153 गाँव को जोड़ने वाली पानी की यात्रा है। तो मन मदगदगद था, उत्साहित था और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गई, वरना ये 25-26 दिन का सफ़र कैसे करता। मेरे भी मन में आया इस यात्रा को करना चाहिए और यात्रा का 4th दिन है। इस क्रम में मैं आपके इस महादेवा घाट पर आज यात्रा साधु संतों के साथ पहुँचा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, जीवन के नए अनुभव को साझा करने का एक मौका मिल रहा है। मन बहुत गदगद है। योगी और मोदी जी की सरकार को, संतों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। आदिकाल की तपस्या थी, तपस्या पूरी होने जा रही है और भविष्य में सुंदर मार्ग से यात्रा करेंगे। और बड़ा सुंदर अद्भुत लगा, हमको लगता है हर 1 किलोमीटर पर लोग कोई पानी लेके खड़ा है, कोई चना लेके खड़ा है, जिसकी जो क्षमता है। मैंने कई जगह देखा कि लोग खुलकर पैसा कराएं, संतों को 20-20 रुपया, 10-10 रुपया दे के। मतलब बड़ा अद्भुत ये जो संगम चल रहा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, इसी की बात है। मैं इस यात्रा को मैं कर सकूं ऐसा मैं सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ। तो ठीक है, हम आपसे एक और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपने इस बार जो है परिक्रमा शुरुआत किया, तो आपके मन में क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको इस परिक्रमा को करना चाहिए? और एक चीज़ और है कि आपके नाम क्या लगा है, बाबा का, तो क्या आप इसकी आपने जो शुरुआत किया है? देखिए, नाम का तो असर होता है। मेरी पैदाइश गोरखपुर है, गुरु जी के नाम पर मेरा नाम बाबा गोरखनाथ है, नाम का कहीं ना कहीं असर होता है। सबसे बड़ी बात है, हर आदमी का अपना जीवन चरित्र होता है, एक मूल्य होता है, उस आधार पर वो जीवन को जीता है। अभी तक के जीवन में मैंने वचन को प्राथमिकता दी है, तो मैंने परिक्रमा करने का वचन दिया था, ऐसा संकल्प लिया था, तो वक्त घड़ी आ चुकी थी। मन में जैसे मैंने सुना कि परिक्रमा हर बात की बात हो रही है, तो इसका प्लान हम लोग पहले करने करना है, बगैर किसी लाग लपेट के करना है, सीधे भगवान के सामने मजबूत करना है, दिलदार जहाँ साधु करना है, इसके साथ पूरी 22-23 बंगली यात्रा ये यात्रा को पूरा करेंगे। एक लाइन कह के अपनी बात करूँगा कि त्याग दो हर ख्वाहिश कुछ अलग करने के लिए, त्याग दो हर ख्वाहिश कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया था श्री राम मंदिर। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा नेता है प्रदीप जायसवाल जी, आप यहाँ पर जो है व्यवस्थापन के लिए मौजूद, भैया बताइए आप यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्था जो है कब से करने आए हैं, आप यहाँ जो करते हैं इस कार्य को? मुझे लगता है कि जब से हम लोग वो संभाले हैं, तब से जान रहे हैं कि महादेवा घाट पे यात्रा आती है बचपन से ही, और यहाँ संतों की खूब सारी सेवा होती है, ये हम लोग बचपन से देख रहे हैं इस यात्रा को। 84 को जब भी हर वर्ष आती है, और यहाँ की एक समिति है हमारी, वो यहाँ पे सेवा कार्य देती है, पूरे तन मन में से पूरे नगर से सहयोग लेके सभी लोग इस यात्रा का खूब स्वागत करते हैं, खूब श्रद्धा से करते हैं। और ये हमारे लिए, हमारे नगर के लिए गौरव का विषय है कि हम 84 कोस की परिक्रमा में रहते हैं, इस अयोध्या की सीमा में रहते हैं, और ये गौरव रोमांचित कर देता है हम लोगों को। और बाबा मिंछा भारती बाबा ने इसको बसाया, वो तुलसीदास जी के समकालीन थे, इस नगर को बसाया, उस नाते भी इस नगर का एक गौरव है, और ये यात्रा यहाँ आती है। हम सब बहुत आह्लादित रहते हैं इस यात्रा को लेके, और बड़ा ही गौरव और फक्र महसूस होता है कि हम लोग भी अयोध्या के भाग हैं, अयोध्या का हिस्सा है, गोसाईगंज नगर हमारा।
तो हम लोग 84 कोसी यात्रा का खूब खूब स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तो जैसा कि रामदेव मानस में एक चौपाई है कि प्रथम बात तमसा भय, दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपान कर सुर समीप दो वीर। तो जैसा कि ये रामचरित मानस में इसका भी जिक्र किया गया है और तमसा है, और एक गोसाईगंज के गौरव की बात है कि गोसाईगंज के नगर के किनारे तमसा यहाँ पर बसी हुई है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर रात में प्रवास किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ की जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ पर आप ही लोगों की समस्या नहीं हो रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा श्रद्धा का आशीर्वाद हमारे नगर को सदैव मिलता है। क्या का पकड़ा कहीं क्या कहीं भैया ओहो गुरु जी।